तो दोस्तों एक नया नोटिस मिल चुका है। अब पता नहीं ये सक्षम योजना की जड़ को खोदने लग गए हैं। अब धीरे धीरे जिसने भी छोटी सी भी मिस्टेक कर रखी है सक्षम योजना में, उसको धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक एक मिस्टेक को ये चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। आज की जो मिस्टेक ये पकड़ रहे हैं वो नोटिफिकेशन हमें मिल चुका है। अब नोटिफिकेशन ये है कि आप सक्षम योजना वाली साइट ओपन कर लें। सभी ओपन करनी आती है, सभी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सक्षम योजना वाली साइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज फैमिली आईडी डिटेल्स। ओके, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा अपडेट फैमिली आईडी। यहाँ पे जिसने भी फैमिली आईडी अपडेट नहीं कर रखी है वो समझो गया। साफ साफ बात, एकदम में बात ख़त्म कर दी मैंने। यहाँ पे अगर आप फैमिली आईडी अपडेट कर रखी है तो आप हो सेव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोलोगे कि आप कमेंट करके हमने तो कर रखी है, हमने पहले कर दी थी, हमने वैसे कर दी थी। यहाँ पे फैमिली आईडी का अपडेट आपको बहुत ज़रूरी करना है, अदरवाइज़ आपको निकाल दिया जाएगा। अब ये पहले नहीं निकालते थे इस चीज़ों के लिए कि आपने मेल आईडी अपडेट की है या नहीं की है, छोड़ देते थे। फैमिली आईडी अपडेट की है या नहीं की है, छोड़ देते थे। अब तो इन्होंने मेल आईडी पे जिसने जो मेल आईडी ही अपडेट नहीं की है सक्षम पोर्टल पे, उनको ही दिवाड़ कर दिया सक्षम योजना से। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसी से तो पकड़े जाएंगे बंदे कि आगे क्या कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपको अपडेट करनी बहुत ज़रूरी है। ये अपडेट नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, और अपडेट कर दी आपने और आप आगे पढ़ाई कर रहे हो तो भी निकाल दिया जाएगा। अपडेट आपने कर दी और आगे आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको पकड़ने के लिए पैदा की गई हैं। ये है आज का थोड़ा सा डर। बाकी देखते हैं यहाँ पे कितने बंदों ने, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपने फैमिली आईडी अपडेट कर रखी है या नहीं कर रखी है ऑन द सक्षम पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे अपडेट करनी है। नहीं कर रखी है तो मेरे को जल्दी से मैसेज करके बता देना, कमेंट करके बता देना, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना कर देंगे आपके लिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये सभी ने कर रखी है। अगर जिसे नहीं कर रखी वहीं जाएंगे, क्योंकि जो अपने कैंडिडेट हैं रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको हमने ये अपडेट करवा दी थी, सभी को करवा रखी है। अब जो नए कैंडिडेट हैं शायद उनको नहीं पता इसके बारे में, तो वो इसके ऊपर खास ध्यान दे लें। अगर आपको 1 मंथ या 2 मंथ ही, मतलब आपका स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग फेस ही है, तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा लेट कर देते हो तो अब इस हिसाब से जो स्टार्टिंग वाला फेस होता है, जैसे कि 2 से 10 तारीख के बीच में, उस टाइम पे आपका भत्ता अपलोड होता है, वर्क के मैसेज टाइप कुछ आते हैं, उस टाइम पे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भत्ता अपलोड करना होता है। अगर आपकी मिस्टेक है तो आपका भत्ता अपलोड करते ही नहीं है, अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ या फिर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपकी आईडी के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमने आप लोगों को बता दी है। वीडियो को शेयर मार दो सभी ग्रुपों में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन इन्हीं छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे सक्षम योजना निकाल दिया जाता है। बात है सीधी सीधी, ये आपको छोटी चीज़ लग रही होगी, मेल आईडी अपडेट करनी छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन बंदों को इन्हीं चीज़ों के कारण निकाला जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी सक्षम योजना से निकाल लें, इसलिए आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो, सक्षम के पैसे हजम करते रहो धीरे धीरे 35 साल तक। आगे और देखते हैं, कोई नई स्कीम आएगी आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।